भारतीय जनता पार्टी द्वारा फिरोजाबाद के नंदराम चौक पर आयोजित सेवा कार्यक्रम में गरीब असहाय लोगों को कंबल व खिचड़ी बांटी गई। कंबल पाकर गरीब लोग काफी खुश नजर आए। हम आपको बता दें कि भाजपा द्वारा जगह जगह सेवा कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसके तहत गरीब व असहाय लोगों की विभिन्न प्रकार से मदद की जा रही है। फिरोजाबाद के नंदराम चौक में भी सेवा कार्यक्रम के तहत गरीब व असहाय लोगों को कंबल बांटे गए, साथ ही साथ उन्हें खिचड़ी भी खिलाई गई। इस मौके पर भाजपा के महानगर अध्यक्ष कन्हैयालाल गुप्ता व हिंदू जागरण मंच के जिला अध्यक्ष अतुल यादव ने सेवा कार्यक्रम को लेकर क्या जानकारी दी, हम सुनवाते हैं। हैक्स न्यूज के लिए सौरभ शर्मा की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी वार्ड नंबर 40 के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर एक सेवा कार्यक्रम आयोजित किया। आज के कार्यक्रम में जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरण और खिचड़ी वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। ये पुनीत कार्य है। मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकाध मानववाद से प्रेरित होकर और भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी और योगी जी के नेतृत्व में जो सरकारें चल रही है, जैसा उनका भाव और मनसा है कि प्रदेश की जनता हर्षोल्लासित रहे, जनता को सुख सुविधाएं मिले, ये एक सेवा भाव कार्यक्रम वार्ड के लोगों ने रखा। आज के दिन जरूरतमंदों को कंबल वितरण और ये खिचड़ी वितरण का कार्यक्रम जो उनके द्वारा किया गया है, निस्संदेह ये शहर के लिए प्रेरणादायी है। इससे हम सब लोगों को प्रेरणा मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। धन्यवाद। अतुल यादव, क्या कार्यक्रम रखा गया है? भारतीय जनता पार्टी द्वारा सेवा कार्यक्रम का प्रोग्राम किया था, जिसमें हम लोगों ने खिचड़ी और कंबल का वितरण जो गरीब लोग हैं जिन पे नहीं है उनके लिए किया गया है। तो मैं नानकचंद अग्रवाल जी और हमारे शहर के नगर अध्यक्ष महानगर अध्यक्ष जी कन्हैयालाल गुप्ता जी और इसमें श्याम सिंह यादव जी और सत्यवीर गुप्ता जी और आपके क्या नाम है किशन मुरारी जी, प्रमोद राजौरिया जी।